आप भी एक यूट्यूबर्स है और आप भी अपने स्मार्टफोन से अगर अपना वीडियो शूट करते हैं तो आपके लिए थोड़े ही बजट में एक डिजिटल कैमरा मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो आज इस वीडियो में मैं उसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। थोड़े से पैसे देकर आप अपनी वीडियो शूटिंग को अपग्रेड कर सकते हैं और अगर आप अपनी फैमिली फ़ोटो भी खींचते हैं तो उसके लिए भी स्मार्टफोन से अच्छा थोड़े ही बजट में डिजिटल कैमरा है। तो ये है हमारा डिजिटल कैमरा, देख सकते हैं ये है हमारा डिजिटल कैमरा जो कि सोनी का W800 है। तो आज इस वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या है और फोटो क्वालिटी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हाथ में है सोनी का डिजिटल कैमरा DSC-W800। यहाँ पर जैसा कि मेंशन किया गया है कि इसके साथ में एक मेमोरी कार्ड मिलता है जो कि 16GB की है। तो ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से, लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। पीछे की तरफ इसके सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं और इधर भी साइड में आपको सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। 20 मेगापिक्सल इसमें आपको कैमरा मिल जाता है और ये 4 वेरिएंट में आपको मिल जाता है, यानी कि 4 कलर है इसके और साथ में एक बैटरी मिलती है जिसकी स्टैंड बाय मेरे ख्याल से तो 4 आवर की है। तो एक बार अगर आप फुल चार्ज कर लेते हैं तो 3 to 4 आवर मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए इस बैटरी को। हालांकि कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं इसका एक फुल रिव्यू भी मैं ज़रूर दूंगा और यहाँ पर भी मैं इसके सारे जो जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, फोटो सैंपल्स हैं, वीडियो है, सब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया, हालांकि मैंने इसे पहले ही अनबॉक्स कर लिया था लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बना लिया एक अनबॉक्सिंग का। सबसे ऊपर में आपको मिल जाता है एक डाटा केबल फ्रेंड, देख सकते हैं, और ये चार्जिंग का मिल जाता है फ्रेंड यहाँ पर, और नीचे साइड में ये आपको मिल जाता है केबल जिससे आप चार्जर में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक जो वायर मिला है वो मुझे जाएगा मेन स्विच में और दूसरा जो है वो चार्जर में लगेगा। और ये है हमारा कैमरा, देख सकते हैं, कैमरे को मैं बाद में देखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है एक चार्जर जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सोनी की ब्रांडिंग लिखी हुई है यहाँ पर और पीछे में भी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। ये वाला कॉर्ड इसमें जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कॉर्ड ऐड हो जाएगा और पीछे की ओर ये वाला लग जाएगा फ्रेंड। हालांकि ये मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है, देख सकते हैं, तो इसे मैं लगा लेता हूँ। तो ये इस तरीके से फ्रेंड लग जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से लग गया फ्रेंड फाइनली। थोड़ा दिक्कत आई इसे लगाने में लेकिन ये लग गया। यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बैटरी और एक मेमोरी कार्ड। इसे मैं अपने हाथ में निकाल लेता हूँ। ये है बैटरी और एक मेमोरी कार्ड जो कि सोनी का मेमोरी कार्ड है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बैटरी है, इसके ऊपर भी सोनी की ब्रांडिंग की गई है, तो काफ़ी ही अच्छी बैटरी है। आई होप कि ये चले भी बहुत ही ज़्यादा, जैसा मैंने एक्सेप्ट किया है कि ये चलना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो इसका रिव्यू भी मैं बना दूंगा। और ये देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड और यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल्स दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे पढ़ने वाला नहीं हूँ तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ और इस बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं हम अपने कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर कैमरे को भी काफ़ी अच्छे से पैकिंग की गई थी, हालांकि मैंने इसे खोल लिया था पहले भी लेकिन आपके लिए मैंने एक अनबॉक्सिंग बना ली। तो ये सेफ रहता है कैमरा, यानी कि कस्टम वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या फिर लाने समय जो डिलीवरी बॉय आते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। ये है हमारा कैमरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्लाइड करने का ऑप्शन है और यहाँ पर ये बैटरी खुल जाती है, बैटरी का केस खुल जाता है। इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है और यहाँ पर से ये बैटरी लग जाती है। मैं इसे अंदर की ओर स्लाइड करके लगा देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये होती है कि आपकी बैटरी सही से बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो मैं इसे फिर से बाहर निकालता हूँ और इसे उल्टा करके थोड़ा मैं यहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ पर मैं उल्टा करके इस बैटरी को अंदर की ओर स्लाइड करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड थोड़ी दिक्कत आती है आपको बैटरी लगाते समय, हालांकि आप ध्यान से अगर लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लॉक का सिस्टम जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो लॉक है, तो बैटरी आपकी लॉक हो जाती है। फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, वहाँ पर एक लोगो बना हुआ है तो आप देख कर उससे मेमोरी कार्ड काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ये एक बार में लग गया। अब इसे स्लाइड करके मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर आप माउंट कर सकते हैं ट्राईपॉड पर, इसकी भी वीडियो मैंने आगे दी है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर ये ऑन का बटन दिया गया है तो मैं इसे ऑन फिलहाल कर लेता हूँ। तो ये कैमरा हमारा हो गया है ऑन और मैं एक फ़ोटो सैंपल यहाँ पर से क्लिक कर लेता हूँ। हालांकि आगे वीडियो में आपको इसके वीडियो सैंपल और फ़ोटो सैंपल भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आगे मैंने बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो सैंपल मैंने जो इस कैमरे से खींचे थे, कैप्चर किए थे, वो सारे सैंपल्स आपको इस वीडियो में मैंने दिए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब फ्रेंड। तो मैं कैमरे को अब रख देता हूँ साइड में और ये सबको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब मैं आउटडोर में इसे शूट किया था फ्रेंड, और साथ में एक इसके साथ केस भी मिलता है जिसमें आप काफ़ी आसानी से अगर आप बेल्ट पहनते तो बेल्ट के अंदर इसे पुट ऑफ कर सकते हैं। अब मैं इसे माउंट कर लेता हूँ अपने ट्राईपॉड पर। तो मैं ये आउटडोर शूट कर रहा हूँ तो मैं इसे माउंट कर लेता हूँ अपने ट्राईपॉड पर। तो देख सकते हैं ये मैं माउंट कर ले रहा हूँ ट्राईपॉड पर फ्रेंड्स, और उसके बाद इससे कुछ वीडियो सैंपल्स भी मैं आपको दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने कैमरे को माउंट भी कर लिया, और यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन्यू को भी आपको टेस्टेड करके बता देता हूँ कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले बटन से इसे ऑन कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरे की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और यहाँ पर से फ़ोटो क्लिक होता है। तो इस बटन को आप प्रेस किए रहिएगा तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, और मैं इसे जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, जूम करके मैं इसे दिखा देता हूँ। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ये फ़ोटो जो है ज़रा से भी फ्रेंड फट नहीं रही है। 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा मुझे ये लगा। अगर आप एक यूट्यूबर है और अगर आप एक फैमिली के लिए भी फ़ोटो खींचते हैं अपनी फैमिली में भी कभी किसी फंक्शन में, तो ये कैमरा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट में होने वाला है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये मैंने ऑफ़र में लिया था, तो मुझे ये 5000 रुपीज़ में मिला था। इसकी प्राइस वेरी होती रहती है। तो यहाँ पर से मैं वीडियो भी शूट कर ले रहा हूँ थोड़ी सी, तो इस बटन को प्रेस करने पर ये डायरेक्ट वीडियो शूट होती है, और इसी बटन को प्रेस करने पर ये पॉज भी हो जाती है। तो यहाँ पर मेन्यू में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं पनोरमा में भी आप इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो पनोरमा है, इजी मूड्स है, और भी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि आप फुल ब्राइट में भी किस तरीके की फ़ोटो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर 720p में भी वीडियो शूट हो जाती है। कैमरे की क्वालिटी अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो बहुत ही अच्छी है, और अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूबर है मेरी तरह तो आप इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये 5 से 6 हज़ार में मिल जाएगा। लिंक छोड़ दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। यहां पर से आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लैश भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, एक बजट कैमरा है उन यूट्यूबर्स के लिए जो अपनी वीडियो स्मार्टफोन से शूट करते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी अपग्रेड करना है अपनी वीडियो को, तो ये कैमरा उन लोगों के लिए ही है। तो आप ये कैमरा ले सकते हैं, और कभी पार्टी फंक्शन में भी आप ले सकते हैं। ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये इसी कैमरा से कैप्चर किया गया है, एक वीडियो सैंपल है जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ। और ये इसमें मैंने इफ़ेक्ट नहीं दिया है, ये ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट लिया है। और ये एक फ़ोटो है जो मैंने इसी कैमरे से ली है, ये मेरे फ्रेंड की फ़ोटो है तो मैंने इसी कैमरे से ली है। तो ये भी एक सैंपल है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये जो सैंपल आ रहे हैं ये इसी कैमरे से डेलाइट में ली गई फ़ोटो है।
आई होप कि ये वीडियो फ्रेंड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अब भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय हिंद।